गफलत जो ही तो रोगे वतन को, दो गज जमी तो दूर है तरसोगे कफन को। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और उनको उन शहीदों को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन लोगों की वजह से देश हमारा आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद भारत में हैं तो उन शहीदों की वजह से हैं जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दिया। और तब में हम में बड़ा अंतर हुआ, तब के लोगों में कोई लालच नहीं थी, कोई अंदर मोह नहीं था, बस एक ही उनके दिमाग में धुन चलती थी कि हमारा देश गुलाम है, हमारा देश आज़ाद हो, आने वाली नस्लें हमारे देश में गुलाम भारत में नहीं आज़ाद भारत में पैदा हो। और इसका फल यह रहा कि आज हम लोग इस देश में आज़ाद होकर घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कुर्बानियों को आज के परिवेश में लोग भूलते जा रहे हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी ना आता तो बहुत कम लोग ही याद कर पाते उन शहीदों को। और इस देश में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। इस मुल्क में 10 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं, और हम लोग इस मुल्क में अलग अलग धर्म के अलग अलग त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी ये एक ऐसा पर्व है जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मनाता है, इसमें कोई अलगाव नहीं है। आज रक्षाबंधन का दिन पवित्र त्यौहार है, एक बहन भाई से अपेक्षा रखती है कि हमारे मान सम्मान इज्जत की हमेशा वह रक्षा करेगा, और एक भाई भी बहन से अपेक्षा करता है वह हमारी गरिमा को गिरने नहीं देगी हमेशा। तो ये पवित्र रिश्ते त्यौहार पर भी मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए, अपने विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को भी शुभकामनाएं दिया, और इसी साथ साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।